बिजली कर्मचारियों वालों अपनियां मंगां नूं लै के कीता गया रोस मार्च ते एक घंटा कीता गया बठिंडा दा बस स्टैंड जाम उस तों बाद फूकिया गया पुतला। दस दिए कि जिथे बिजली कर्मचारी अपने पे बैंड की रिपोर्ट नूं लागू करवाउण अते कच्चे कामां नूं पक्के करन पुरानी पेंशन बहाली नूं लैके लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं, तो अज उन्हां वालों एक रोस मार्च किया गया ते उस तों बाद बठिंडा दा बस स्टैंड उन्हां वालों जाम कर दिता गया। तुसीं देख रहे हो तस्वीरां बस स्टैंड दे नेड़े दी जिथे इन्हां वालों एक वड्डा रोस मार्च किया जा रहा है, तो उस तों बाद इन्हां वालों बठिंडा दा बस स्टैंड नूं बंद कर दिता जांदा है। तो उस तों बाद एक मौड़ हल्के दे एक सेवादार अपने आप नूं कहाउंदे सेवादार नूं इन्हां वालों घेर लिया गया, तो उस तों पुछ के उस तों खिलार के सवाल पूछे कि तुसीं देख रहे हो तस्वीरां कि यह बठिंडा दे बस स्टैंड इन्हां वालों एक घंटा जाम रखा गया। इन्हां वालों लगातार पंजाब सरकार खिलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, इन्हां दी मंग है कि साडी पे बैंड की रिपोर्ट नूं लागू किया जाए तो कच्चे मुलाजमान नूं पक्के किया जाए। जो इन्हां वालों लगातार मंग की जा रही कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, इस लैके लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। अज इन्हां वालों बस स्टैंड रोकया गया तो एक हल्का मौड़ के वर्कर जो अपना अपने आप नूं वर्कर अखवाउंदे ने कांग्रेस के वर्कर अखवा रहे हैं भुपिंदर गोरा, उन्होंने भी इत्थे मैं मनिंदर जीत सिंह जेई सूबा प्रधान पावर ट्रांसमिशन एम्पलाई एसोसीएशन पंजाब। की कारण है जी अज तुम धरना देना पे, की मंग है? ये मंगा तो बहुत पुरानी है जी, अज तो असं इस होर तिखा कर रहे हैं, पंजाब सरकार नूं जगा रहे हैं कि जिहड़ियां बिजली मुलाजमान दीआं वाजब मंगां ने पे बैंड दीआं उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी पूरा किया जाए। जिस तरह चोणां नेड़े आ रही हैं, जे तुहाडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां तो अगला प्रदर्शन किस तरह के होंगे तुहाडे? ये साडियां मंगां चोणां नूं देख के लागू नहीं कीतियां जां असीं शुरू नहीं कीतियां, ये पिछले 10 सालों तो साडा संघर्ष जारी है। इस टाइम के उत्ते सरकार सानू चोणां दे प्रभाव दे अंदर आ के हुण समां दी सानू मीटिंगां दे रही है, तो असीं आस करते हैं कि मीटिंगां दे विच कोई वाजब हल कढ़िया जाएगा तो साडियां जिहड़ियां वाजब मंगां ने पूरा कीतियां जाणगियां। ते जे नहीं मंगां पूरियां होंदियां ते फिर चोणां 'च किस तरह दा प्रभाव करूगा? यह तो सारे पता ही है कि जो वाजब मंगा ना पूरिया की गई तो जनता कदे माफ़ नहीं करेगी, तो वह रिजल्ट इन्हों चोणों के जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। मेरा नाम रेशम सिंह बराड़, मैं मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन का पंजाब का मीत प्रधान है जी, और असी 15-11 तो लैके समूहिक छुट्टी पर चल रहे हैं, 2-12 तक समूह छुट्टी की कॉल दी है। जे साडियां जिहड़ियां जायज़ मंगां है वो नहीं मनियां जांदियां तां असीं आने वाले समय के अगे भी समूह छुट्टी पर जावांगे और आपके संघर्षां नूं असीं जिहड़ा होर तिखा करांगे। किस तरह दीआं मंगां तुहाडियां? मंगां साडियां सब तो मेन मंग है कि 2012 तो साडी पेमेंट की मंग है जिहड़ी वो लटकी हुई है, 10 साल का समा हो गया सानूं लड़ाई लड़दियां नूं इस मंग ते, पर बिजली बोर्ड की जिहड़ी मैनेजमेंट आ साडी उह गल नहीं सुन रही, सानूं कह रही है कि साडे कोल पैसा है नहीं, साडे कोल 10 सालां दा एरियर देण दे लई कोई पैसा है नहीं, इसलिए असीं इह पेमेंट जिहड़ा नहीं दे सकदे। अज किस तरह प्रदर्शन कीता जाणा? अज असीं इत्थों धरना दे के इस तों बाद अर्थी फूक मुजाहरा करना जी, उहदे विच मनप्रीत बादल, चरणजीत चन्नी और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट आ जिहड़ी उहदी असीं अर्थी आ बस स्टैंड दे उत्ते फूकनी है, और इस तों बाद असीं आपदा मार्च शुरू कर लगे। अगे चोणां दा समां नेड़े आ गया, किस तरह दा तुहाडा अगे होऊगा? जे साडियां जायज़ मंगां नहीं मन्नियां जांदियां तां असीं चोणां दे विच कांग्रेस पार्टी दा पूरा विरोध करांगे, और खास करके मनप्रीत बादल दे और चरणजीत चन्नी दे हल्के दे विच असीं आपदे रोस प्रदर्शन जिहड़े वो पूरे करांगे। जे तुसीं चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुंचे तां तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, घंटी नूं ऑल ते करो।